दोस्तों, आप स्टॉक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए, इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल लेना है। देखिए, यहाँ पे मेल आईडी डालना है और आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो शर्त यह है कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए, तभी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ओटीपी आ चुका है सबसे ऊपर आप देखोगे तो, और यहाँ पे ओटीपी डालना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ओटीपी डाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना ओटीपी यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे साइन अप पे कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए बोल रहा है, तो आपको नीचे कंटिन्यू कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना होता है, तो पैन कार्ड नंबर आप डाल दीजिए, और आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेल सेलेक्ट करना है, सिंगल है या मैरिड है तो आप सेलेक्ट कीजिए। साल की इनकम सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में डू यू आर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, तो आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नो करना हरदम, ठीक है, कि आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं, नो कर देना। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट है या खुद का बिजनेस है, तो वो आप अपने हिसाब से इसमें से भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं इसमें से स्टूडेंट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में फादर नेम पूछ रहा है, जो आपके पैन कार्ड के अंदर फादर नेम है वो यहाँ पे डालना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद में ये कह रहा है कि आप कंट्री इंडिया से रहने वाले, यस कर दीजिए। उसके बाद में नीचे नीचे स्क्रॉल करना है, आई एक्सेप्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशन को, उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक, दिस इज योर चांस टू विन ए फ्री स्टॉक। ठीक है, यस कर देना। उसके बाद में तो नेक्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ पे आपको साइन करना है। साइन आपको वो करना है जो आपके पैन कार्ड के अंदर है, तो चलिए मैं यहाँ पे साइन करके दिखा देता हूँ। आप अपने हिसाब से करिए जो आपके पैन कार्ड में साइन है। ठीक है, उसके बाद में यदि कोई गलती हो जाती है तो नीचे हाल लिखा है, तो आप इसको काट के दोबारा से भी साइन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हो गया। उसके बाद में देखिए अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा और आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कनेक्ट योर डिजी लॉकर विद अपस्टॉक, तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर कनेक्ट योर डिजी लॉकर लिखा है, इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर एक चीज़ है कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से दर्ज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डाल के ओटीपी ले लेना है। तो चलिए यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, तो ओटीपी यहाँ पे सबमिट करके कंटिन्यू कर देते हैं। तो अभी थोड़ा वेट करने के लिए बोल रहा है, और अभी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में नीचे अलाउ लिखा है, तो यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे अलाउ होने के बाद में ये आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ये नेट पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद में ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। देखिए, यहाँ पे आपको पैन कार्ड यहाँ पे हम अपलोड करना होगा जिसके अंदर फोटो है। ठीक है, यहाँ पे टैप टू अपलोड, तो यहाँ पे क्लिक करना है और आपको गैलरी में से उठा लेना है। तो चलिए, मैंने पैन कार्ड यहाँ पे उठा लिया है, और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट कर देते हैं। तो फिर उसके बाद में दोबारा से नेक्स्ट करते हैं, और आपका एक फ़ोटो मांगा जाएगा, यहाँ पे अलाउ कर दीजिए upstock.com। ठीक है, इसको अलाउ कर देना है, तो आपका कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद में देखिए कैमरा यहाँ पे ओपन हो चुका है, और यहाँ पे एक सेल्फी ले लेना है। देखिए, इस प्रकार से सेल्फी लेना है, ना कोई चश्मा ना कोई कैप वगैरह लगाना है, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में एक नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल डालनी होती है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में नेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि जो भी आप पैसा विड्रॉ करोगे तो आपको अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये डालना ज़रूरी है। उसके बाद में मेल आईडी आपको वेरीफाई करना होता है, मेल आईडी पे एक ओटीपी जाता है, वो यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ओटीपी यहाँ पे फिल कर देते हैं, हमारी मेल आईडी भी वेरीफाई हो गई। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पेमेंट मांगता है 299 प्लस GST, तो यहाँ पे साइन अप पे करते हैं और यहाँ पे पेमेंट
कर देते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आप इतने रुपए पे करोगे तो आपको 600 से लेके 800-900 रुपए तक मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे 352 रुपए मांग रहा है, तो गूगल पे, फोन पे, किसी भी UPI से आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो मेरे पास फ़ोन पे है, तो फ़ोन पे से यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। देख सकते हो आप, पेमेंट मैंने 352 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। उसके बाद में देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर लिमिट प्लान ऑफर टू वे, नेक्स्ट करते हैं और इसको नीचे नो करके और नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज आता है ई साइन, तो आपको ई साइन करना है यहाँ पे आधार OTP, तो इस पर क्लिक करोगे जैसे ही आपको ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा ई साइन नाउ, तो यहाँ पे ई साइन नाउ कर देना है। उसके बाद में देखिए व्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद में प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलेगा और आपको NSDL पे ले जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे टिक लगाना है आई हर बाई पे और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे, वो यहाँ पे टाइप कर देना है। तो चलिए OTP यहाँ पे आ चुका है, मैं देख लेता हूँ 645936, ठीक है, वो यहाँ पे डाल देते हैं 645936। उसके बाद में वेरीफाई OTP कर देना है, ठीक है, वेरीफाई OTP सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद में क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर ई साइन, इसको डाउनलोड कर देना है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट डाउनलोड होके आपके फ़ोन में आ जाएगा, ठीक है, और आपका एप्लीकेशन 2 से 3 दिन में चालू हो जाएगा। अगर आप डीमेट अकाउंट को रेफ़र करके पैसा कमाना चाहते हो तो आप 500 से लेकर 800-900 रुपए तक कमा सकते हो, वो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। उम्मीद है कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।